गुड इवनिंग दोस्तों। ऐसे तो गुड नाइट का टाइम हो रहा है भाई, बट गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो भाई, थोड़ा सा तैयारी को और आगे बढ़ा देते हैं भाई। थक गए होंगे आप भी बहुत, और बहुत जबरदस्त तरीके से। आप तो बिल्कुल एंडिंग पोर्शन पर हो, यानी कि बस लगभग लगभग सारा कोर्स खत्म कर चुके होंगे। कुछ मेजर पोर्शन हो सकता है अगले दिन के लिए, कल के लिए आपने संभाल करके रखा हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम एक आखिरी काम आज के लिए और कर देते हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट जो 1897 हमारा है, इसके रिवीजन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वैसे इसके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिवीजन वीडियोस मैंने ऑलरेडी, पुराने वीडियोस जो मेरे वो मैंने डाले हुए हैं, बराबर, आप उनको भी देखें। पर अब समय कम है, तो इन दिनों जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टडी मैट के जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दे रखे हैं वहीं से बन रहे हैं। तो उसी को अगर अपन तैयार कर लेते हैं तो मजबूती के साथ तैयारी हो जाएगी। तो आ जाओ, इसमें जितने एग्जाम्पल्स और जितने क्वेश्चन हैं जैसे मैंने एनआईए में किया था, बिल्कुल वैसे इसको भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? तो जनरल क्लॉजेस एक्ट कुछ कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल कहता है कि वेयर एवर द लॉ प्रोवाइड दैट कोर्ट विल हैव टू पावर अपॉइंट। जब कोर्ट किसी को अपॉइंट करने का, सस्पेंड या रिमूव करने का राइट रखती, रिमूव और रिसीवर, तो लेजिस्लेटिव सिंपली एनेक्टेड दैट वेयर एवर कन्वीनियंट द कोर्ट में अपॉइंट, मतलब जहां पे अपॉइंट करने का पावर है वहां इटसेल्फ इंप्लाइड होता है कि रिमूव और सस्पेंड करने का पावर भी होगा। तो ये क्यों लिखा गया कि भी जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो भी इंटरप्रिटेशन का ही एक एक्ट आप मान सकते हैं। तो ये भी इंटरप्रिटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। तो जिधर जिधर अपॉइंट करने का पावर रहता है वहां जनरली रिमूव करने का जो राइट है, सस्पेंड करने का, वो भी उसमें क्लब ही रहता है, इंक्लूडेड रहता है। चलिए एग्जाम्पल टू पे आते हैं। एग्जाम्पल टू में क्या कहा गया? क्लेम ऑफ द राइट टू कैच फिश केम अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट इन आनंदा बिहारी वर्सेस स्टार्ट ओडिशा, द कोर्ट टेंडेड डिसाइड वेदर द राइट टू कैच कैरी फिश इज ए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके ओके ओके, बच्चे लोगों बढ़िया चीज, आपको याद है ना, तो मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स वाला हमारा एक कंसेप्ट निकल करके आता है। तो इन्होंने यही कहा कि आखिर जनरल क्लॉजेस एक्ट की जरूरत क्या है। तो कई बार जब चीजों के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन कहीं पर नहीं दे रखी है तो ये इंटरप्रिटेशन के पॉइंट हमारे बहुत काम में आते हैं। अब ये जो मैं पैराग्राफ आपको पढ़ाने वाला हूं, इसको जरूर पढ़ करके जाना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन वो सेक्शन 3 क्लॉज 26 से बन सकता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। तो यहां क्या क्या इंक्लूड है वहां से तो अपन एग्जांपल देखेंगे, यहां से भी आप इंक्लूड कर लो इसको, है ना, कि कोर्ट टेंडेड टू डिसाइड वेदर द राइट टू कैच और कैरी फिश जो है, मछली पकड़ना है उसको रखना, वो मूवेबल है या इमूवेबल है, इसके बारे में इन्होंने यहां से कुछ मीनिंग निकाल करके लिखा है। तो ध्यान से मेरे साथ आप देखो, बहुत काम आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ वगैरह, ये सब तो अपन अपने को पता ही है ना। अब यहां जो अपने को मेन चीज ध्यान में रखना है, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह भी इंक्लूड होगा, डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप ग्रास, ये ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया, ये देखो यहां से अपने काम का मतलब है, एस फिश डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी द डेफिनेशन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाइज, एंड द प्रॉफिट ऑफ जो प्रेंडर, मतलब वो जो पाउंड बना हुआ होता है ना मछलियों को रखने का जो होता है, इज रिगार्डेड एज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इट फॉलोज दैट इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वहां के हिसाब से, ठीक है। तो कोर्ट ने यहां पे कह दिया कि भाई राइट टू कैच और कैरी फिश एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये कोर्ट का अपना एक इंटरप्रिटेशन गया कि भाई डेफिनेशन के अंदर अगर बात करें तो फिश वाला जो पार्ट है वो तो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस जगह पे वो रह रही हैं वो जो चीज है वो इमूवेबल के अंदर कवर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से। तो वही मीनिंग यहां पर भी लिया जा सकता है, अपने को ध्यान में रखना। तो ये वहां से इन्होंने लिया है इसको। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आप एग्जाम पर्पज से ये याद करके जाओगे, बाकी चीजों के साथ जो अभी अपन सेक्शन 326 में पढ़ने वाले हैं वो तो ही है, उसके अलावा यहां से पॉइंट याद करके जाओगे कि एग्जाम में अगर आ जाता है कि भाई राइट टू कैच और कैरी फिश जो है उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में लेने वाले हैं, ये इस एग्जाम्पल से आप लोग को ध्यान में रख करके जाना चाहिए, बराबर। चलो आगे बढ़ते बच्चे लोगों। एग्जाम्पल थर्ड जो है वो हमारा क्या कहता है, सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट विच डील्स विद द डेफिनेशन क्लॉजेज, अरे डेफिनेशन की बात करता है। जनरल क्लॉजेज इटसेल्फ एंड ऑल सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन मेड कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है। सेक्शन 4 भी कुछ खास बात इसके अंदर नहीं कर रहा है बच्चे लोगों, कहां से डेफिनेशन अप्लाई हुई वगैरह पे बात कर रहा है, मतलब एग्जाम्पल 3 हो गया ये, तो एग्जाम्पल 3 में कोई खास बात नहीं। अब ये जो बेसिक पॉइंट है सारे बच्चे लोगों आप इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में पीएमएल वगैरह पढ़ करके आए हो, तो पीएमएल का एग्जाम्पल नेगोशिएबल वाला याद कर सकते हो, ऑलरेडी कंपनीज एक्ट का पीएमएल ये पढ़ा, तो ये सब पॉइंट जो है ना, एक्ट टू कंसिलिएट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, तो ये एग्जाम्पल आप इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में भी लगा सकते हो। अच्छा, डेफिनेशन वाला पार्ट अपन वहां से कर चुके हैं, कौन सा हमारा एग्जिस्टिव डेफिनेशन होगा, कौन सा क्या डेफिनेशन होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है।
अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करूं तो वर्ड कंपनी यूज इन द कंपनीज एक्ट डिफाइन इन 220। अब ये वही बात हो गया कि भाई कुछ कुछ डेफिनेशन हमारी जो है वो अलग अलग टाइप की डेफिनेशन रहेंगी। जैसा आप लोग पढ़ के आए हो इंटरप्रिटेशन के अंदर, वैसा जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर भी दे रखा है कि कुछ डेफिनेशन हमारी एग्जॉस्टिव वाली होंगी, कुछ डेफिनेशन हमारी रेस्ट्रिक्टेड वाली है, इंक्लूड वर्ड लगेगा, इंक्लूड्स वर्ड लगेगा, तो वो सब चीजें थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे एक पॉइंट इन्होंने दिया कि सिक्योरिटी वर्ड का डेफिनेशन दे दिया, वो अब जो सिक्योरिटी है वो कंपनीज एक्ट में तो डिफाइन है नहीं, तो जब कंपनीज एक्ट में वो डिफाइंड नहीं है तो उसका डेफिनेशन अपन किसी दूसरे एक्ट से लाते हैं, वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से अपन इसका डेफिनेशन ले सकते हैं। तो ये इन्होंने दिया कि इस तरह की चीजें और भी किसी एक्ट से हम लेकर के आ सकते हैं, वो सब इन्होंने समझाया है कि कई बार दूसरे इस एक्ट में नहीं है तो फिर आप या तो किसी दूसरे एक्ट से लेकर के आओ, नहीं तो फिर उसका मीनिंग जनरल प्रोसेस एक्ट से अपने को लेना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर सिंपल बात है हमारी। तो मींस एंड इंक्लूड्स वगैरह पे बात बचे लोगों ऑलरेडी आप वहां पे कर चुके हैं, जैसा भी मैंने आपको कहा ये सारी बातें हम लोग जनरली कर चुके हैं कहां पे इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में। आप चाहो तो यहां से वहां डेफिनेशन, जैसे इंक्लूड्स की डेफिनेशन यहां पे आ गई वो आप लगा सकते हो, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर भी इंक्लूड्स का डेफिनेशन का एग्जाम्पल आ गया, तो ये एग्जाम्पल तो सारे वही है, ठीक है। अब यहां मींस का मतलब आपको बता दिया, ये देखो यहाँ पे मींस अगर कई बार आ जाए तो मींस एंड इंक्लूड्स के अंदर किस तरह का डेफिनेशन रहेगा, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन रहेगा, उसको दे रखा है वही मीनिंग अपने को लेना है। तो ये सब बातें यहाँ लिखा है। शैल और मे बच्चों अगेन सेम, मे को शैल की तरह, शैल को मे की तरह, ये सारे पॉइंट आपके वही हैं जो ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन में आप पढ़ करके आए हो, कंपनीज है के बढ़िया एग्जाम्पल्स देकर रखे हैं, तो ज्यादा मुझे इस पर बात करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए मैं आता हूं मेन जो बात है, फिर से वही प्रिलिमिनरी के अंदर भी शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल वगैरह ठीक है। अब जो बात अपने को करना है, जो मेन अपना एक्ट शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है और इसमें कई सारे एग्जांपल्स आप लोगों को देके रखे हैं, ठीक है। तो उनमें अपने पास में बचे लोगों, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स पे ही इन दिनों में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आओ एग्जाम्पल्स को चेक कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम पर्पज से मैंने गुड फेथ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टिक मार्क करवा रखा है, उसको जरूर पढ़ करके जाना कि गुड फेथ का मीनिंग जनरल क्लॉजेस एक्ट ने क्या लिया है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा अलग है। बराबर वहां पे अपन ने लिया था, चाहे आप नेग्लिजेंट बिहेवियर आपने अगर रखा है तो फिर आप गुड फेथ का बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तो नहीं कहूंगा इसको मैं, केस बेस कहूंगा, तो ये आप जरूर पढ़ करके जाए। मैं यहां सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी जो है वो हमारी डिस्कस्ड पॉइंट है, तो आपने तैयारी किया होगा तो नोट्स में से इस एग्जाम्पल को आपने जरूर मेन बुक से पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सब चीजें यहां जो दे रखी है उसको पढ़ करके जाना। एग्जाम्पल नंबर 16, शांताबाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रीज मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि उन वो अटैच होती है अर्थ के साथ में। उसके अलावा बच्चों ये पूरा पढ़ के जाना, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे तेंदू लीव्स हैं, टिम्बर है, बंबूज है, जो सोइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स है, द राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पज है, राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज है एंड गेट लीव्स फ्रॉम ट्रीज है ग्रोइंग फर्दर, ये सबके सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर है। ये जरूर पैराग्राफ पढ़ करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सेम उसी तरह से राइट ऑफ वे एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी इस डेफिनेशन के अंदर कवर है इमूवेबल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो ड्रेनिंग वाटर सिस्टम हमारा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर नहीं है। बराबर, क्योंकि वो चेंज भी किया जा सकता है, तो इस वजह से वो इमूवेबल के अंदर कवर नहीं है। कोई मशीनरी जो सोयल में आपने फिक्स कर दिया है बकायदा, वो और स्टैंडिंग ट्रीज वगैरह है, वो इमूवेबल का पार्ट होगा। तो आप इस डेफिनेशन से लिस्ट याद करके जाना क्या कवर है क्या नहीं कवर है, तो बहुत जरूरी चीज है। एक वो जो आपको बताया फिश वाला, वो और ये सारे पॉइंट जरूर याद करके आपको जाने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, तो आगे जब मैं बढ़ जाऊं तो मेरे पास में अगला एग्जाम्पल कहां मिलेगा भाई, मुझे बड़े सेक्शंस के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 18 यहां है, कोई भी एक्ट का कमेंसमेंट अपने को कब से मानना है बच्चे लोगों, उस पर हमारा एक प्रोविजन यहां पर देके रखा है जिस पर मैं आपसे बात करने इस वक्त में जा रहा हूं। आइए क्या लिखा हुआ है चेक कर दें। द कंपनीज एक्ट रिसीव एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29th ऑफ अगस्त को मिला और नोटिफाई हुआ गजट के अंदर 30 अगस्त को विद द एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 1। अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट कब माना जाएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ठीक है। तो गजट के पब्लिकेशन डेट से ही किसी भी एक्ट का कमेंसमेंट हम लोग मानते हैं, जनरली वही डेट होती है जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट होता है। तो बहुत सिंपल चीज समझो, अगर किसी एक्ट में किसी मतलब कोई नोटिफिकेशन में अगर एक्ट के एप्लीकेबिलिटी को डेट दे रखी है, जैसे यहां दे रखी होती हम ये अप्लाई करेंगे 5 सितंबर को, तो फिर वो डेट कमेंसमेंट की डेट होती,
नहीं तो वो डेट जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला या जिस दिन ऑफिशियल गजट के अंदर प्रिंट हुआ, दोनों जनरली एक डेट होती है, अगर अलग अलग है तो नोटिफिकेशन जिस दिन इश्यू हुआ रहेगा वो डेट अपनी मानी जाएगी, बहुत सिंपल सी एक्ट के कमेंसमेंट की, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो एक तो ये वाला पॉइंट डेट वाला बहुत बढ़िया है, पढ़ के जाएंगे। सेम उसी तरह से बच्चों सेबी इशू कैपिटल रिक्वायरमेंट फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन इशूड हुआ बाय नोटिफिकेशन 14 अगस्त को, ये देखो इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। तो नोटिफिकेशन 14 अगस्त को आया लेकिन उसमें लिख दिया था 2015 में आया कि इसको अप्लाई करना है 1 जनवरी 2016 से, ये नोटिफिकेशन के अंदर ही लिख दिया था, तो बट ऑब्वियस है इसके एप्लीकेबिलिटी की डेट जो है वो 1 जनवरी मानी जाएगी रेदर देन नोटिफिकेशन डेट, ये अपने को ध्यान में रखना था, बराबर। तो अच्छा पॉइंट है, जरूर आप लोग इसको पढ़ करके जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, और देन उसके बाद में हमारे जो मेन एग्जाम्पल्स वाले जो पॉइंट आपको देके रखे हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। अब ये वो पॉइंट आता है जहां हम किसी एक एक्ट में दूसरे एक्ट का रेफरेंस देते हैं, बराबर से रिपील एनेक्टमेंट के अंदर कोई बात है तो वहां से हट गई तो यहां से भी हट गई। इन सेक्शन ये आपके नोट्स में भी है 115 GB ऑफ इनकम टैक्स द कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट द कंपनीज एक्ट 1956 आर रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड। अब बट ऑब्वियस है कि यहां पे अब 1956 की जगह कंपनीज एक्ट नया आ चुका है 2013, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज जो है वो अभी तक सेक्शन 115 GB में चेंज नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। तो सेक्शन 8 यहां पे कहता है कि जब भी आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप 115 GB को पढ़ेंगे तो 1956 की जगह आपको 2013 मान के ही उसको सॉल्व करना है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, भले ही इन्होंने एक्ट में चेंज ना किया हो। फिर बच्चों सेक्शन 9 तो हमारा सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है हमेशा से, वो जो फ्रॉम वाला हमारा कैलकुलेशन है, कितने ही सारे क्वेश्चन आप लोगों ने इसके ऊपर करके देखे हैं, एमसीक्यूज में इधर उधर बहुत है। तो कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग जो 30/9/2016 को हुई, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनीज रिक्वायर्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, बराबर। अब बट ऑब्वियस है कि हम लोग जानते हैं रूल जब फ्रॉम आ जाए तो फर्स्ट डे आपको एक्सक्लूड करना है, अगले दिन से चालू करना है और लास्ट दिन को आपको इंक्लूड करना है, तो 30/9 से अगर हुआ तो 1/10 से इसको चालू करो आप, और वहां से एग्जैक्ट 30 डेज आपके 30/10 को खत्म हो जाएंगे, 30 दिन का टाइम पीरियड आपका आएगा, याद में रखेंगे। तो 30/9 को एक्सक्लूड कर दीजिए और लास्ट वाले डे को इंक्लूड कर दीजिए, सिंपल सा प्रोविजन है, अगले दिन से चालू करते हुए 30 डेज आपको कैलकुलेट करने हैं, तो सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेक्शन 10 हमारा जो था वो डायरेक्टर अलाउड, इसमें कोई खास एग्जाम्पल यहां पर नहीं दे रखा है तो कोई खास टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है, चलिए आगे बढ़ता हूं, जो जो एग्जाम्पल होंगे हम सारे करेंगे। फिर बच्चों प्रो राटा एनेक्टमेंट कहता है वेदर सेवरल डेटर्स आर लाइबल फॉर द होल डेब्ट एंड ईच इज लाइबल फॉर हिज ओन शेयर इन प्रपोर्शन ओनली, तो उसको प्रो राटा बोलते हैं, अपने को पता ही है ना सारे डेटर का जो रेशियो है 1:1:1 का, इस तरह से कुछ। एक एग्जाम्पल और दिया वेयर अ कंपनी पेज डिविडेंड टू शेयर होल्डर ईच इन्वेस्टर इज पेड अकॉर्डिंग टू देयर होल्डिंग। अब इफ अ कंपनी हैज 100 शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल और इश्यू डिविडेंड 2 रुपए उन्होंने किया तो टोटल नंबर ऑफ डिविडेंड पे 200 रुपए हो गया, एक शेयर पे 201 है 2 रुपया आया तो 200 हो गया। नो मैटर हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर, उससे कोई मतलब नहीं है, जितने शेयर है उतना माना जाएगा। द टोटल डिविडेंड पेमेंट कैनॉट एक्सीड द लिमिट इन दिस केस 200 इज अ होल, और प्रो राटा कैलकुलेशन जितने जिसके पास में शेयर्स रहेंगे उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ये अपने को प्रोविजन पहले से आता है, ठीक है। अगर 4 शेयर होल्डर होते और उनके पास में 50/25/15/10 होता तो ये जो इनका रेशियो बनता बच्चों इस रेशियो के अंदर ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, देख लो पूरा पूरा दे रखा है, तो प्रो रेटा वाला पॉइंट आपके लिए नया नहीं है। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों फिर से आता है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 13 जेंडर और नंबर वाला, बहुत प्यारा पॉइंट है, अच्छा एग्जाम्पल इसमें बन सकता है, आपको बता भी रहा हूं मैं। जनरली हम कहते हैं कि जब भी हम कोई मेल जेंडर की बात करेंगे तो इंक्लूड फीमेल्स मानी जाएंगी, या सिंगुलर की बात करेंगे तो प्लूरल को भी उसमें इंक्लूड करना है और वाइस वर्सा भी मानना है, कि ही के लिए अगर कोई प्रोविजन है तो वो शी के लिए भी कवर होगा जब तक अलग से कुछ ना कहा जाए, है ना। एक एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, सो द वर्ड्स इज फादर एंड मदर एज दे अकर इन सेक्शन सीआरपीसी के अंदर, तो अब ये अगर वहां पे हिज फादर एंड मदर बोला है तो उसमें हर फादर और मदर भी इंक्लूड रहेगा, जो मेल के लिए वो फीमेल के भी है। लेकिन कई बार अगर किसी प्रोविजन में अलग से कोई प्रोविजन, जैसे कॉमनली यहां पे बोला वेयर ए वर्ड कैनोटिंग अ कॉमन जेंडर इज अवेलेबल, बराबर से, बट द वर्ड माना कॉमन, जैसे आप जो मतलब आज कॉमनली बच्चे लोगों चाहे गाय हो चाहे भैंस हो चाहे बैल हो सबके लिए कॉमन वर्ड, वैसे तो काउ यूज होता है कॉमनली स्पेसिफिक जेंडर, लेकिन कई सारे ऐसे मैटर्स रहेंगे जहां स्पेसिफिकली अगर कोई वर्ड यूज कर दिया
जैसे हमने कोई मान लो एनिमल सेफ्टी एक्ट के अंदर हमने बुल के लिए कोई चीज बनाई, तो वहां बुल ही होगा, उसमें कभी भी काउ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे मजेदार बातें करूं ऐसे इंटरेस्टिंग, हमने कहा कि सर वो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर किसकी फोटो होती है, किसका वो स्टैचू लगा हुआ है, सर काउ का लगा हुआ है, सर बुल और काउ तो एक ही चीज है, नहीं काउ के अंदर बुल को इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि एक कॉमन जेंडर की बात है, लेकिन जहां अलग से बात बुल की हो रही है तो उसमें फिर काउ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है, आई थिंक ये वाला तो जुलाई 21 के अंदर आ चुका है, पर ठीक है फिर भी आप इसको देख करके जाएं। जुलाई 21 में मुझे याद है जेंडर नंबर पे क्वेश्चन हमारा था, तो अच्छा पॉइंट है, फिर भी आप इसको पढ़ करके जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं बच्चे लोगों, आगे बढ़ जाते हैं हमारे आगे के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 24, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्डर इशूड अंडर एनेक्टमेंट। ठीक है भाई, क्या बोला है, द टर्म कलेक्टर यूज इन रूल 4 ऑफ द लैंड एक्विजिशन कंपनीज रूल 1963 विल हैव द सेम मीनिंग जो सेक्शन 3C ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर है। ओके, ये क्या हुआ भाई, अच्छा इन्होंने कहा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड इशूड अंडर एनेक्टमेंट। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक्ट के साथ में कोई एनेक्टमेंट इशू हो रहा है और कुछ है, वहां उन वर्ड्स के अगर मीनिंग दे दिए जाएं तो वहां से फिर वो मीनिंग जो दे रखा है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं। अपन ने भी कई जगह ऐसा सेक्शन पढ़ा है कि यहां इस वर्ड का आपको वही मीनिंग लेना है, जैसे लिक्विडेटर का वही मीनिंग लेना है जो उस एक्ट के अंदर यहां पर दे रखा है, तो वो चीज इन्होंने यहां पर बोली है जो अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते बच्चे लोगों अगला एग्जाम्पल हमारा कहाँ मिलेगा हमको देखते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं चीजों के ऊपर बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, खत्म ही हो गया ये तो, सर खत्म हो गया, सारे एग्जाम्पल्स हो गए। हाँ जी, जितने एग्जाम्पल्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए, और अब आइए क्वेश्चंस भी कवर करा देता हूं आपको। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट, हमने वहां से नहीं किया क्योंकि एग्जाम्पल नहीं था, यहां से कर लेते। तो फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन 321 में आपको देके रखा है, जिसका मीनिंग होगा जो 1 अप्रैल से हमारा चालू होने वाला है। ठीक है, और बट ऑब्वियस है खत्म कब होगा। द टर्म ईयर हैज बीन डिफाइंड 366 ईयर रिक्रूट अकॉर्डिंग द ब्रिटिश कैलेंडर। ईयर का डेफिनेशन भी दे रखा है और फाइनेंशियल ईयर का भी दे रखा है, तो ईयर का तो वो है जो जनवरी से चालू हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है दिसंबर में खत्म होगा, और ये 12 महीने का होता है और ये अप्रैल से चालू हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि ये खत्म कब होने वाला है, एंड ऑफ मार्च को खत्म होने वाला है, अपने को डेफिनेशन में लिखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बच्चे लोगों अभी पढ़ चुके हैं अपन, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन बता देना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड, एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट अ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। अब आपको रेफरिंग करना है सेक्शन 13, जो भी मैंने कहा था जेंडर वाला इंपॉर्टेंट है। द जनरल क्लॉजेस एक्ट एग्जामिन करो कि होल टाइम केएमबी कैन बी अपॉइंटेड इन वन मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि यहां पे लिखा है एक्सेप्ट सब्सिडरी, तो खाली एक ही सब्सिडरी की बात हो रही है, तो क्या एक से ज्यादा सब्सिडरी के अंदर अपॉइंट हो पाएगा। तो हमने कहा था भी जहां सिंगुलर वर्ड आता है प्लूरल को उसमें इंक्लूड मानना है आपको, तो यहां पे अगर इस तरह की चीज आई है तो मोर देन वन जो है वो भी इसके अंदर कवर रहेगा। ये देखो इसके अंदर इन्होंने बोला है तो मे होल्ड ऑफिस इन मोर देन, तो खाली एक में अलाउ किया, सब्सिडरी कंपनी लिखा हुआ है तो वो चाहे एक हो चाहे 10 सब्सिडरी कंपनी से उसमें अलाउ रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना था। 13 का आंसर अपना लग जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चे लोगों, सेक्शन 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंड एट अ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये अपना सेक्शन 27 है। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 20 है ना सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का, वैसे यहां 27 है, तो रूल्स के हिसाब से लिखा हुआ था कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट से भेजना है, उसकी जगह पे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया तो गलत है, बराबर। तो वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेजम्पशन, अभी कहता है कि भाई जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन में प्रेजम्पशन ये मान के चलते हैं कि सर्विस नोटिस का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, पहले से उसके ऊपर पैसा चुका दिया गया है, और पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, तो कहीं कुछ नहीं दे रखा होता तो हम इसको मान लेते हैं। लेकिन जब यहां रूल्स में क्लियर लिख दिया था कि एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजना है, देखो एक होता है सिंपल रजिस्टर्ड पोस्ट, एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, जिसमें जिसके पास पहुंचेगी वहां से वापस रिटर्न में उसकी तरफ से रिटर्न अपने पास एक्नॉलेजमेंट भी आएगी, रिटर्न में रिसिप्ट आएगी कि हाँ भाई उसको मिल गया, तो ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो जब अपन ने इसमें ये ड्यू करवा दिया था कि इसी तरह से होना चाहिए, तो आपने दूसरे मेथड से माना तो वैलिड नहीं होगा। तो एक तो सेक्शन 27 का डेफिनेशन लिख दो, और डेफिनेशन लिखने के बाद फाइनल आंसर यही है बच्चे लोगों, जो मैंने आपको कहा यहां पे बहुत सीधा सीधा सा कि कहां गया, हाउएवर इफ सच प्रोविजन, हाँ ये देखो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट कहा था, तो नोटिस अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं कहा होता स्टेच्यूटरी रूल्स के अंदर, तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली को वैलिड मान लेते,
जब कुछ नहीं दे रखा है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट को मानते ना, अदरवाइज नहीं मानने वाले हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ पे पहुंचते हैं। हाँ, ए ओन लैंड विथ 50 टेमरिंड ट्रीज है, ही सोल्ड इज लैंड एंड द टिम्बर ऑब्टेन आफ्टर कटिंग द 50 ट्रीज। ओके, पेड़ काट दिए टू बाय। एक्स वॉन्ट्स टू नो सेल ऑफ टिम्बर जो है वो इमोवेबल प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं आएगा। बच्चों जमीन से अलग करके बेचा है तो क्या लगता है आपको, नॉट अटैच टू अर्थ है तो इमोवेबल के अंदर नहीं आना चाहिए। एक्स सोल्ड लैंड अलॉन्ग विथ टिम्बर ऑफ 50 टेमरिंड ट्रीज टू हिज लैंड। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन लैंड इमोवेबल के अंदर आएगा, टिम्बर नहीं आने वाला है क्योंकि आपने टिम्बर बेचा है ना कि ट्रीज बेचे हैं, अपने को ध्यान में रखना है, डेफिनेशन आप समझा सकते हैं। चलिए सर्विस ऑफ पोस्ट में तो सेम डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताई वापस आ गई। सेवेंथ क्वेश्चन, कोमल लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड। डिविडेंड वाला क्वेश्चन है बच्चों, 27 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसमें आपको कंपनी लॉ का प्रोविजन भी पता होना चाहिए 30 डेज वाला, तो 28 से अपने को चालू कर देना है। देखो 28 से चालू करना है और एग्जैक्ट 30 दिन कैलकुलेट करोगे तो अगले महीने का 27 तारीख हो जाएगा, तब तक डिविडेंड हमारा पे हो जाना चाहिए। दोनों डेज को इंक्लूड करके फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करना है, ये पूछा है इन्होंने डेट वेट का पॉइंट, तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा अनक्लेम डिविडेंड वाला पॉइंट ध्यान है आपको, 30 दिन में अगर पेमेंट नहीं होता है 27 तक, तो अगले 7 दिनों के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड में डालना है। तो 27 को छोड़ो, 28 से चालू करते हुए आपको 7 दिन लेना है, 28, 29, 30, 31 और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 7 दिन, क्योंकि अक्टूबर है तो 31 का होता है, तो 3 नवंबर हमारी डेट आ जाएगी। ये डबल क्वेश्चन पूछ लिया, इसके लिए कंपनीज एक्ट के डिविडेंड वाले चैप्टर का प्रोविजन भी पता होना चाहिए। चलिए रिपील का एक प्रोविजन बच्चों पूछ लिया गया है कि रिपील रिलेशन से बिल्कुल अलग होता है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, रिविजन वीडियो मैंने डाल रखा है, जहां पे मैंने रिपील और डिलीशन का मीनिंग जो है वो आपको समझाया है। और सिंपल अगर मीनिंग बात करूं आपसे यहाँ पे, तो रिपील ऑफ प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन। रिपील का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन, जैसे वो कभी था ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट भी नहीं रहा, उसको तो हम लोग बोल देते हैं रिपील। जबकि डिलीशन का मतलब होता है कि जिस दिन डिलीट हुआ वहां से वो हटेगा, उसके बाद में वो वाइप आउट होगा, ठीक है, नेवर टू इफेक्ट टोटल इफेक्टिंग ऑफ वाइपिंग आउट ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। उससे पहले तक उसका इफेक्ट था वो मान के चलेंगे, लेकिन रिपील आ जाए तो उसको कंप्लीट, जैसे वो कभी एक्ट था ही नहीं, नेवर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वैसा मान के चल लेते हैं। जबकि डिलीशन में जिस दिन डिलीट हुआ वहां से उसके इफेक्ट्स खत्म होना शुरू होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 9 बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन 9 के ऊपर डिविडेंड वाला पॉइंट, फिर से वही 30 दिन 7 दिन, तो वो का वो पॉइंट हो गया अपना, कोई खास नया पॉइंट नहीं। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, डेट आपको निकालना है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच हैज नॉट स्पेसिफाई मेंशन अ पर्टिकुलर डेट, तो जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला वो ले लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने ये फिफ्थ अमेंडमेंट इशू किया है नोटिफिकेशन 14 अगस्त को, लेकिन वही वाला क्वेश्चन है बच्चों, इफेक्ट 1 जुलाई से कर रहे हैं, सॉरी 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। तो कुछ नहीं दे रखा है तो जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला, मैं आपको कह चुका हूं, और बाकी मैटर के अंदर जो डेट दे रखी है उस दिन माना जाएगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स यहां आकर के खत्म हो गए, तो आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या चीजें मेनली आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है, क्या क्या आती है। तो इसको एक बार आप अपनी तैयारी में जरूर डाल दें, जितना मैंने कुछ यहाँ पे कराया है, हालांकि हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के ऊपर बात कर ली है, तो उम्मीद है कि इससे भी काफी अच्छी हेल्प अपने को मिल जाएगी, एक बार स्ट्रॉन्ग तैयारी हम लोग करके जा पाएंगे। ओके बच्चों लोगों, बाय, टेक केयर, बढ़िया तैयारी करिएगा, जोरदार पेपर करके आइएगा, ऑल दी बेस्ट।